उनको थप्पड़ मारना चाहिए ऐसे लोगों को। अरे तो उन्होंने बताया कि इसमें कोई गलत नहीं है, सबसे आपने देखा ही क्या है, एक छोटा सा हिस्सा देखा है। मैंने ट्रेलर इतना भयानक है, पीछे कितनी भयानक होगी। लेकिन मैं बाबा मैं एक बात कह रहा हूँ, इस तरह की पिक्चर नहीं बननी चाहिए। अच्छा। अभी ये पिक्चर बनाएंगे, हिंदू वाले संगठन मुसलमान को टारगेट करेंगे, सैफ अली की वजह से पूरा मुसलमान खतरे में आएगा। फिर इधर से सुनिए, पहले हमारी बात सुनिए। जो चीज अभी हमारे मुझे सुन रही है ना, अभी पूरी भाजपा फिर घेर लेगी ना, हमारे पास मत आइएगा क्वेश्चन करने। मैं कह रहा हूँ जिस तरह से पूरी मूवी पे ये अट्रैक्शन दिया गया है, सैफ अली की वजह से पूरा मुसलमान बिरादरी खतरे में आ जाएगी। अच्छा। क्योंकि बीजेपी वाले कच्चे सबाने लग जाएंगे। अभी बहिष्कार करने की बात की गई है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चाल है राजनीति? आपको समझ में नहीं आ रहा इस चीज को कि पूरे मुसलमान बिरादरी का बॉयकॉट करने के लिए किसने बोला? बीजेपी सांसद ने। अरे पीछे से विरोध कर रहा है बीजेपी वाले लोग, इनके चक्कर में पूरा मुसलमान पीस डालेंगे, कितने आदिवासी दलितों का रेप हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ आप उसको समझ रहे हैं? मैं सच समस्या बता रहा हूँ आपको कि इससे क्या होगा। बाबा मोदी जी क्या कर रहे थे? अरे मेरी सुनने आए हैं आप, मोदी जी की सुनने आए हैं? आप जो पिक्चर बनी है इससे देश का माहौल बिगड़ेगा, दंगे होंगे, इस पिक्चर को बैन करने की मांग करते हैं हम लोग। आप एक हिंदू हो और पंडित हो, आप ये बताइए कि अभी जो मूवी आ रही है आद पुरुष, उसमें बताया जा रहा है कि रावण का गलत दिखाया गया है। रावण का जो रोल बनाया गया है, सैफ अली खान को इस चीज के लिए माफी मांगनी पड़ेगी और पिक्चर रिलीज ना हो। देखिए हमारे धार्मिक आस्थाओं से ब्राह्मणों के नाम पे रावण इतने गाय गुजरे नहीं थे, उसको उसका खात्मा करने के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ा था। लेकिन कहा तो भी जा रहा है क्या रावण दाढ़ी और मूंछ बनाते थे उस टाइम पे? देखिए मैं बता दूं, जिस तरह से मजाक बनाया जा रहा है ना धर्मों का, रावण का हो चाहे किसी को शिव भक्त, ये बेशर्मी की जा रही है। और सैफ अली खान जो है, हमें लगता है मुसलमान धर्म की परिभाषा भूल चुके हैं। मतलब सैफ अली खान का बार बार नाम ले रहे क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम है, प्रभास भी है। प्रभास के भाई, मैं पूरे पिक्चर में नाम ले रहा हूँ। आप केवल सैफ अली खान भाई, सैफ अली खान का नाम इसी ले रहे की उन्होंने रावण की भूमिका निभाई है और मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ। तो ऐसा तो जिनने हीरोइन की एक्टर है, जो हीरोइन है, जितने वो पूरी पिक्चर पूरे हिंदू समाज के लिए गाली है और थूक है। अच्छा, अगर हिंदू समाज उस पिक्चर को देखता है तो आप भी बैन करने की मांग करते हो क्या? बिल्कुल बैन करने की मांग करेंगे उस चीज की। हम अपने देवी देवताओं को क्या ऐसे घुमाएंगे, डाली बनवाएंगे और नंगा नाच करवाएंगे क्या? मजाक बना रखे हो। लगातार आरोप लगा रहे हैं, वो सही है कि मूवी को बैन किया गया? कौन कर रहा है? बीजेपी वाले। भाई बीजेपी वालों का साथ हम नहीं मानते, लेकिन ये चीज हमारे धर्म के खिलाफ है और हम इसका विरोध करेंगे। जिस तरह से बता रहे खिलजी जैसा रूप है और दिखाया गया, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप इस तरह के रूप में क्या होगा तो आपके समाज से मिलाएगा, इसीलिए तो मैं सैफ अली खान को मना कर रहा हूँ ना। अच्छा, तो वो जो रूप बनाया गया है वो एक तरह से रावण का नहीं था। रावण भी पखंड पंडित था, बहुत वेदों का ज्ञाता था, उसने कई बार उन्हें शिव स्तोत्रण भी दिया है, शिव तांडव भी किया है। हाँ। और उसके पास बहुत बाहुबल था, उसको उसकी मृत्यु करने के लिए भगवान राम को जन्म लेना पड़ा। जब भगवान राम को जन्म लेना पड़ा इसीलिए कि उसका वध हो सके। और आज हमारी देखिए, ये जब से बीजेपी आई है बीजेपी वालों का ही करना है। जब आप किसी के धर्म पे उंगली उठाओगे तुम्हारे धर्म पे उंगली उठेगी। तो अक्सर देखा गया है कि हिंदू धर्म के ऊपर ही इस तरह की मूवी क्यों बनती है। तो मैं कह रहा हूँ सेंसर बोर्ड का हारा बैठा है क्या? क्या कर रहे हैं हिंदू ठेकेदार बेशरम लोग, लगातार ऐसी मूवी आती रही। मैं एक साथ बैठे मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर वो चुप्पी तोड़ दे और नुपुर शर्मा से लेकर अपने का फैसला कर दे, एक सबको सजा दे दे, कोई बोलेगा अरे चाहिए, और गांधी के दिन गोरसे की ट्रेंडिंग, अब गोरसे को पूरा करने कौन जाते हैं? यही दुगड़े जाते हैं। मोदी जी अमित शाह जी कौन पूछता है? ये तो पूछते हैं। अच्छा, और ये पूछते हैं फिर गांधी साहब ने ऐसे करते हैं। ये बताए कि गांधी गुजरात से है या सावरकर के इलाके से है? अच्छा। बताए मोदी जी ऐसे साफ साफ। लेकिन बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के चरित्र में दोहरा चरित्र है, पूरे भाजपा में दोहरा चरित्र है। सुनिए मैंने मेरी बात को, आप बताइए नहीं, आप भाजपा की बुराई मोदी का नाम देते हैं, कमाई छूटने लगता है। क्या कह रहे हैं आप? तो सुनिए फिर मेरी बात को। जब नरेंद्र मोदी जी का दोहरा चरित्र सामने आता है, अभी भाजपा सांसद बेशरम ने मुसलमानों का बायकॉट किया खुले मन से, क्या संवैधानिक रूप से सही है? चुनाव चल रहे हैं देश में, क्या दंगा फैलाने के लिए बीजेपी के नेता को छूट दे दी गई है? क्या उन पर कार्रवाई होगी? क्या उनके बगैर चलेगा? क्या वो जेल जाएंगे? लेकिन अब फिर सुनिए मैंने, आप हमारी बात ऐसे नहीं होता है, आप हमारी बात सुनिए, ऐसे लोगों को खुली छूट क्यों? अच्छा। तो अगर वो अगर अंकिता मुस्लिम का केस आएगा तो 25 लाख का चेक लेके सब पहुंच जाएंगे। हाँ।
और एक अंकित अपने मुंह से माफी मांगो नहीं निकलेंगी। उस दिन स्मृति ईरानी की खाना बनाने का ट्वीट करेंगी। अच्छा। खाना बनाने का बेशर्मी है ये, क्या है ये सब छूट दे कौन रहा है, ये सब छूट दे कौन रहा है, ये नहीं बिल्कुल नहीं। आप बताइए इस सरकार में छूट नहीं है। गांधी को गाली देने वाला नरसिम्हा बच के बैठा हुआ है, कालीचरण बच के बैठा हुआ है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री की संसद लगाई गई, कितने मुसलमानों को कोसा गया बच के बैठा हुआ। सुनिए आप बताइए इस जातिवाद का खात्मा कौन करेगा, सत्ता में कौन है, सत्ता में कौन है? तो मोदी जी क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं, गुंगे क्या ऐसे नहीं ये क्या कर रहे हैं, गुंगे हो गए हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो पहले था मैं आज मैं आपके से आप सुन तो लीजिए, आपके चैनल से मैं पूछता हूँ, मोदी जी को चैलेंज करता हूँ, कहिए पत्र लिख दू, हाथ जोड़ता हूँ, कहूँ तो आपके घर आ जाऊं। आप ये बताओ कि आप गांधी को मानते हो कि गोडसे को मानते हो, आप हो किसको मानने वाले, किसके घर जाने की बात, प्रधानमंत्री कौन है इस वक्त? अच्छा इतना डरती क्यों है आप प्रधानमंत्री के नाम से? आप क्या आपका सेल बंद हो जाएगा इसलिए, जैसे लोग तुमने बंद कर दिया गया था, धमकी मिल रही कि आपको भी बंद करने की चाहिए? नहीं नहीं आपने कहा ना घर जाएंगे, तो मैंने कंफर्म किया कि आप किसके घर जाएंगे? प्रधानमंत्री घर जाएंगे जो भाई टिकट कौन लेता है देश का, आपको टिकट कौन लेता है? अच्छा प्रधानमंत्री लेता है तो प्रधानमंत्री को तो टिकट देंगे ना हर चीज। अच्छा लेकिन आपने आदिपुरुष की बात कही तो मूवी में प्रभास है, तो क्या प्रभास अब जहाँ जहाँ धार्मिक कार्यक्रम हो रहे वहाँ वहाँ जाकर विजिट कर रहे हैं, तो क्या ये मूवी की तरफ देखे? मूवी पहली बार जिसके वो जाए उनको थप्पड़ मारना चाहिए ऐसे लोगों को। तो उन्होंने बताया कि इसमें कोई गलत नहीं है, सबसे आपने देखा ही क्या है, एक छोटा सा हिस्सा देखा है मैंने, ट्रेलर इतना भयानक है, पीछे कितनी भयानक होगी। लेकिन प्रभास मैं क्या बात, मैं एक बात कह रहा हूँ इस तरह की पिक्चर नहीं बननी चाहिए। अच्छा अभी ये पिक्चर बनाएंगे हिंदू वाले संगठन मुसलमान को टारगेट करेंगे, सैफ अली की वजह से पूरा मुसलमान खतरे में आएगा, पूरे इधर से सुनिए पहले बाल हमारी पहले हमारी बात सुनिए, अभी हमारी बात सुनिए, जो चीज अभी हमारे मुझे सुन रही है ना, अभी पूरी भाजपा जब घेर लेगी ना तो हमारे पास मत आइएगा क्वेश्चन करने। मैं कह रहा हूँ जिस तरह से पूरी मूवी पे ये अट्रैक्शन दिया गया है, सैफ अली की वजह से पूरा मुसलमान बिरादरी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि बीजेपी वाले कच्चे जमाने लग जाएंगे, अभी बहिष्कार करने की बात की गई है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चाल है राजनीति, अब समझ में नहीं आ रहा चीज को, तो पूरे मुसलमान बिरादरी का बाइकआउट करने के लिए किसने बोला, बीजेपी सांसद ने, अरे पीछे से विरोध कर रहा है बीजेपी वाले लोग, इनके चक्कर में पूरा मुसलमान पीस डालेंगे, कितने आदिवासी दलितों का रेप हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ आप उसको समझ रहे हैं, मैं समस्या बता रहा हूँ आपको कि इससे क्या होगा। बाबा मोदी जी क्या कर रहे थे, अरे मेरी सुन रहे हैं आप, मोदी जी की सुन रहे हैं आप, जो पिक्चर बनी है इससे देश का माहौल बिगड़ेगा, दंगे होंगे, इस पिक्चर को बैन करने की मांग करते हैं हम लोग। देखिए देश में मुद्दा अभी से महंगाई का होना चाहिए, भ्रष्टाचार का होना चाहिए, बलात्कार का होना चाहिए, दलित उत्पीड़न का होना चाहिए, लेकिन नहीं, पिक्चर बन गई रमन आ गया, पिक्चर बन गई रमन आ गया, अरे सेंसर बोर्ड में बेवकूफ है, अंधा है, चलिए आप मैं सेंसर बोर्ड से पूछ रहा हूँ, अंधा है, कैसे निकली क्लिप, क्लिप कैसे निकली ऐसे? क्या आप मतलब रावण को, जिस तरह से रावण को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, रावण को महान मानते हो आप? देखिए मैं बता दूं, फिर पुतला क्यों जलाया जाता? एक मिनट शांति रखिए, सत्य पे असत्य की विजय थी, रावण अगर महान न होता तो राम लक्ष्मण को ना भेजते। अब अमित शाह जी को मैं ही पहला था, उन्होंने भरत को भेज दिया था, वो नकली हिंदू हो सकते हैं, हम असली है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, सुनिए रावण को देखा किसने था, कुछ लोग कहते हैं, मैं ये कह रहा हूँ जितने लोग नास्तिक हैं मैं उनको नहीं कहता कि ईश्वर को मानो, पर जिनकी आस्था है उनको भी मत छेड़ो। अच्छा मैं देखो मैं साफ रहा हूँ, जिनको नहीं मानना है, जिसको जिस धर्म को मानना है वो धर्म में जाए, इसको जो करना है वो करे, लेकिन जो मान रहा है उसको भी ना करे। रावण को मारने के लिए, उनका खात्म करने के लिए, उनके इस राज्य को खत्म करने के लिए भगवान ने अवतार लिया, ये सत्य मानते हैं आप? सुनिए फिर सुनिए अपनी बात, रामायण के लिए सुनेंगे आप, और सुनिए हमारी सुनिए, जो भी मीडिया की हम सुने बार के यहाँ पे, सिर्फ हमारे कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि अगर राम जी अवतार लिए इसका मतलब ही कोई खास बात रही होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक इस देश में राम राज की बात आएगी तो रावण का नाम भी लिया जाएगा। अच्छा। और अगर उसके पास ज्ञान ना होता तो राम जी क्यों भेजते लक्ष्मण को? अच्छा लेकिन मूवी में भगवान ने ना, और आप ये सोचिए कि रावण एक प्रभात पंडित था, उसने सीता को स्त्री और कोई और नजर से नहीं देखा, पुत्री की नजर से देखता था। ये तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से मूवी में दिखाया गया तो उनको लगा कि रावण को कुछ भी बना तो कोई कुछ नहीं कहेगा। देखिए ये चीजें भाजपा के
साठगांठ में होती है। तो भाजपा कहां से आ गई? अच्छा ये बताइए, इधर सैफ अली खान का विरोध, 5000 मुसलमान का विरोध, इनको मुद्दा चाहिए ना मुसलमान का काम करने। सुनिए आप, बता दूं मैं, आप सैफ अली खान की बात कर रहे हैं तो विरोध उसका नहीं, विरोध जो एक्टर्स के कपड़े हैं, जो हीरो है उसके कपड़ों पर का। सुनिए मैं बता दूं, पहना कौन है? गाड़ी का विरोध हो रहा है। सुनिए पहना कौन है? तेर पहना है, कुत्ता बिल्ली पहना है, पहना कौन है? मैंने पहले सुन तो लीजिए मेरे भाई। अरे फिर आप नहीं मान रही है? अभी जब हिंदू मुसलमान का बहस होगा आप जाएंगे सुलझवाने, और जाएगा तो कतलेआम बुलडोजर, क्या मजाक बना रखा है आपने देश में? जब जानती हर दंगे के बाद लोर चलता है, हर दंगे के बाद लोग मरते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा हम क्या कह रहे हैं बार बार? तो यहां किसी तो आप धरना दोगे बैन कराने के लिए? देखिए धरने की जहां तक बात रही है, धरना तो सब दे रहे हैं, लिखित रूप में भी और अलिखित रूप में भी, लेकिन हम गुजरात जाने की तैयारी में है, हम गुजरात जाएंगे।